हाल ही में खबर आई कि लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम गरीना फ्री फायर गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर से हटा दिया गया है। तो हमने एकदम जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पर जाकर देखा तो वास्तव में ही फ्री फायर का कहीं नामो निशान नहीं था इस प्ले स्टोर की दुनिया में। तभी हमने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे जिसमें बताया गया कि भारत सरकार ने इंडिया में 54 ऐप को बैन कर दिया है, जिसमें कई लोकप्रिय ऐप्स के साथ गरीना फ्री फायर भी शामिल है। इसका मतलब है कि अब मोबाइल गेम प्लेयर्स फ्री फायर का मज़ा नहीं ले पाएंगे। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन असली वजह कोई नहीं बताता। आखिर क्यों बैन हुआ फ्री फायर, आइए जानते हैं। दरअसल महीने पहले क्राफ्टन जो कि पबजी क्रिएटर है, उन्होंने फ्री फायर पर मुकदमा किया था। क्राफ्टन का कहना है कि फ्री फायर में पबजी से चीज़ें कॉपी की जा रही है। कॉपी का मतलब जानते हैं, चोरी करना होता है। यानी जो पबजी में है वही सेम फ्री फायर में लाया जा रहा है। क्राफ्टन ने फ्री फायर के अलावा गूगल और एप्पल पर भी ऐप ना हटाने की वजह से मुकदमा कर दिया था। इसलिए अभी ये भी कहा जा रहा है कि पबजी की तरफ से किए गए मुकदमे की वजह से फ्री फायर को बंद किया गया है, यानी बैन किया गया है इंडिया में। फ्रेंड्स, इसके अलावा अभी तक कोई सटीक जानकारी यानी करेक्ट जानकारी नहीं मिली है कि आखिर फ्री फायर क्यों बंद हुआ है। जैसे ही सही जानकारी मिलेगी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और रुकिए, अभी जाने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए।